बेसिकली बर्थडे तक का मैंने सोचा कि बर्थडे तक मैं ब्लॉग्स वगैरह मैं नहीं बनाऊंगा, कि मैं एक नया यूट्यूब चैनल मैं बनाऊंगा जिसके ऊपर व्हाट इज अप लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज शशांक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है SM ब्लॉग्स। बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत ही हद से ज़्यादा टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब लास्ट वीडियो जो मैंने शूट की थी दैट वॉज ऑन 7th of November 2021 एंड टुडे इज 11th of February 2022। 3 महीने 4 दिनों के बाद मैं भाई साहब वीडियो शूट कर रहा हूँ। मतलब जब घर था तब मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से मैं एक वीडियो शूट करूँगा जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वॉट एग्जैक्टली हैपेंड दैट डे, जो मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे डार्केस्ट डे था, दैट वॉज दैट बाइक एक्सीडेंट वाला डे। बट कभी यार मन नहीं किया यार वीडियो बनाने का। मतलब जब मैं आ गया, जब मैं उस लायक हुआ कि लाइक पूरी बॉडी जब रिकवर होने लगी, फिर यार मन नहीं किया कि यार वीडियो बनाने का। आई डोंट नो क्यों, पता है ये चीज़ मेरे साथ में सबसे पहले ये मतलब अभी तक का रिकॉर्ड रहा है मेरा कि कुछ भी छोटी छोटी चीज़ मैं करता हूँ, मैं उसकी मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, ठीक है, हर चीज़ का मैं ब्लॉग बनाता हूँ, सारे काम करता हूँ, बट मैंने इतनी सारी चीज़ें की इन बिटवीन 7th of November 2021 to 11th of February 2022। मतलब मैं बहुत सारी मैं वीडियोस आप लोगों को दे सकता था, बहुत सारा कंटेंट था मेरे पास में, बट मेरा मन नहीं किया कभी भी वीडियो शूट करने का। ये एक्चुअली मैं जब मुझे डेंगू हुआ था, डेंगू होने से पहले तक मेरे साथ ऐसा नहीं होता था। डेंगू होने से पहले तक मैं जो भी काम करता मेरे पास सबका ब्लॉग्स हैं, बट डेंगू जब हुआ उसके बाद जब रिकवर हुआ तब मेरा बिल्कुल भी तब से पता नहीं क्या हुआ। एक वो ना मेंटली एक वो चीज़ होती है कि यार चलो ब्लॉग बनाएंगे, या फिर वो अंदर से आवाज़ आती है, वो नहीं आ रही। अब तुम्हें बताऊँ, जब मैं डेंगू हुआ था तो मैं आगरा से मतलब पूरी राइड मैंने घर से आगरा से सीधा ग्रेटर नोएडा मतलब मैंने अराउंड 300-400 किलोमीटर की मैंने राइड की थी और काफ़ी अच्छी राइड की थी, बट मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद में फिर मैं जब घर गया, घर जाते टाइम मैंने ब्लॉग बनाया, आते टाइम मैंने ब्लॉग बनाया, ठीक है। उसके बाद पता नहीं यार ये बॉडी बीमार होने के बाद से आई डोंट नो मतलब क्या हुआ मुझे, क्यों अंदर से एक एनर्जी नहीं आई, वो सब उन चीज़ों को अगर हम साइड में रखें तो मेन जो मुद्दा है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, दो तीन चीज़ें हैं। और नंबर वन इज़ कि यार उस दिन क्या हुआ एक्चुअली में। तो एक्चुअली में सीन मैं बताता हूँ, सीन एक्चुअली में क्या हुआ था, जो लास्ट शॉट आपने देखा था दैट वॉज कि मैं ढाबे पे मैंने खाना खाया और वहाँ से जैसे ही मैं निकला, ठीक है। उस अलर्ट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो भैया सीन कुछ ऐसा है, अभी 9 बज गए हैं और मैंने अभी जो है 15-20 मिनट का मैंने ब्रेक लिया एक, क्योंकि सीन ये था यार मुझे नहीं लग रहा था कि मैं टाइम पे पहुंचूंगा जो ताकि पीजी में खाना मिल सके, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज अपन ढाबे की रोटी खाया जाए। तो मस्त आराम से एक दाल फ्राई और रोटी 4 खाई, मज़ा आ गया भाई साहब, क्योंकि देखो पता ढाबे का एक अलग ही स्वाद होता है। तो हाँ, खा करके अभी हो गया अपना और अभी निकलते हैं। कितना हो गया, 8:53 हो गए हैं और अपने को एक घंटा लगने वाला, एक घंटा शायद लगेगा, यस। तो ऑलमोस्ट 10 बजे तक पहुंचेंगे, बाकी का पहुंच के मिलते हैं आपसे, जिस टाइम भी पहुंचेंगे बताएंगे। चलो निकलते हैं, लेट्स गो। उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब ऐसा है, अब यहाँ से निकल के सीधे मैं रूम पे पहुंच के मैं वीडियो शूट करूँगा, क्योंकि पहली चीज़ रात हो गई है, ठीक है। तो रात में फ़ोन से ब्लॉगिंग करना सेफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ यार थोड़ा डिस्टेंस है तो जल्दी से रिकवर करेंगे, तो ज़्यादा ब्लॉगिंग वगैरह वो इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, सिंपली फोकस ऑन राइड करेंगे। अब सही बताऊँ तो मैं मुझे नहीं पता है उस स्पॉट के बाद से मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे इतना याद है बस कि मैंने बाइक वहाँ से निकाली, रोड पे आया, दैट्स इट। आई हैव नो आइडिया कि मेरा बाइक का एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ आइडिया नहीं, बिल्कुल मेरे माइंड में ब्लैंक है। मुझे बस इतना याद है कि वहाँ से वो खाना खाने के बाद निकलने के बाद से मैं हॉस्पिटल में मिला मैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू मतलब सोर्सेस क्या, मतलब पापा ने किसी अपने दोस्त को कॉल किया था तो ही सेड कि धरपा करके कोई जगह है, बट मुझे जहाँ तक याद है कि यार मैं खुर्जा आ गया था, ठीक है, खुर्जा आ गया था। तो खुर्जा पे फिर धरपा कैसे पहुँचे आई डोंट नो, मतलब वहीं कहीं हुआ था, मतलब कैलाश हॉस्पिटल जो खुर्जा का है उसके आसपास में ही कहीं पे हुआ था, क्योंकि पुलिस ने उठाया आकर के मुझे, पुलिस लेकर के गई मुझे खुर्जा और जो कैलाश हॉस्पिटल था उसमें, वहाँ पे डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया, उन्होंने रेफ़र कर दिया, उन्होंने दे सेड कि मैं यहाँ पर सिंपली जो ओवर जो ट्रीटमेंट होता है, जो फर्स्ट एड होती है वो मैं कर देता हूँ, इनको जो रेफ़र करके लेकर के जाओ तुम दिल्ली। तो बट वही चीज़ है, दिल्ली में हमारी फैमिली मेम्बर्स इतने लोग कोई रहते नहीं, इतना कोई आइडिया नहीं है, बट आगरा में मेरा भाई रहता है और मेरी फैमिली मेम्बर्स बहुत सारे रहते हैं, सो दे नो लाइक अच्छे से कि आगरा में कैसे क्या कैसे सारी चीज़ों की व्यवस्था हो सकती है। तो पापा आए, मतलब ये लगा लो बेसिकली 9:20 पर पापा जो है
पापा के पास फ़ोन किया था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, और 9:20 मुश्किल से 9:45 तक, 45 मिनट भी नहीं हुए होंगे, सब लोग घर से निकल गए, ठीक है, और सुबह के आई गेस 4 या 5 बजे वो जो है खुर्जा पहुँचे हैं कैलाश हॉस्पिटल। बट इन द मीन टाइम मेरा भाई आगरा से आ गया था मुझे पिक करने के लिए मेरे पास, ठीक है, एंड वहाँ से फिर मुझे एम्बुलेंस में सीधा ट्रांसफ़र किया गया आगरा लेकर के। आगरा में एडमिट रहा आई गेस 7 को हुआ था, तो आई गेस 15-20 तारीख तक मैं एडमिट रहा, जिसमें कि 5 से 6 दिन मैं बेहोश था, मतलब अनकॉन्शियसली मैं, मेरा मेरा जो कॉन्शियस माइंड था वो केवल एक्टिव था, रेस्ट इज मेरी पूरी बॉडी रेस्ट में मेरी पूरी, मुझे खुद नहीं पता क्या किया क्या नहीं किया, बट मम्मी बताते हैं कि मैं बात भी कर रहा था हल्की फुल्की कि कुछ पूछा जैसे कि अगर आँख खुली तो देखा कि अरे हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, ये मतलब वो थी ना कि अनकॉन्शियसली तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हें खुद को नहीं पता है क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ें मैं करता था। एंड उसके बाद में जब होश आया उसके बाद में फिर डॉक्टर ने मुझे रिलीज़ किया, मतलब लाइक ICU से मुझे 1 दिन के बाद में रिलीज़ किया, उसके बाद में फिर मैं जनरल वार्ड में मुझे रखा गया 3-4 दिनों, ठीक है, देन आफ्टर फिर मुझे डिस्चार्ज किया गया कि आप जा सकते हो, बट द रिस्ट्रिक्शन वॉज कि यू कांट लीव योर बेड, मतलब सीन ये था कि मैं लेट सकता हूँ, लेटे लेटे मैक्सिमम मूवमेंट वॉज माइन कि मैं करवट ले सकता हूँ, दैट्स इट, इससे ज़्यादा मैं अलाउड ही नहीं था कुछ करने के लिए। मतलब सीन ये हो गया था कि 7 मतलब जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से लेकर के 30 नवंबर के, हाँ 30 नवंबर को मैं गया था डॉक्टर के पास में दोबारा से दिखाने के लिए, तो 30 नवंबर को उठा था मैं, समझ रहे हो, फ्रेश होना है, खाना खाना है, कुछ भी करना है, मतलब तुम जो चीज़ तुम सोच सकते हो हर चीज़ मुझे बेड पे लेटे लेटे ही करनी होती थी। मेरे नली पड़ी हुई थी और मतलब लाइक यूरिन वगैरह के लिए मेरे नली पड़ी हुई थी, ठीक है, तो मतलब काफ़ी काफ़ी ही वो वाला सीन हो गया था। और मैं 30 नवंबर को मैं पहली बार वो भी इसलिए उठा क्योंकि मुझे जाना था, गाड़ी में बैठना था, तो वैसे एक ऑप्शन ये था कि मुझे 4 लोग आते तो मुझे ऐसे करके उठा सकते थे, बट आई थॉट कि यार मैं कॉन्शियसली इतना एक्टिव हो गया था कि हाँ मैं कर सकता था चीज़ें, तो मैंने बोला कि आप एक काम करो, आप लोग सपोर्ट करो, मैं उठ जाऊँगा, ये मुझे लगता था लेटे लेटे, ठीक है, और काफ़ी मतलब खान पीन भी अच्छा खासा चल रहा था तो इस वजह से मुझे लग रहा था। बट जब उठा ना तो मैं बिलीव नहीं हुआ, मेरे साइड में आई गेस पापा थे या पता नहीं कोई तो था, तो मेरे साइड में, ठीक है, मुझे पकड़ रखा, हल्का सा भी अगर लूज़ किया ना मैं बिल्कुल मतलब एक होता ना कि लाइक यार मिट्टी सा एकदम ऐसे गिर गया, कुछ नहीं है, बिल्कुल जान नहीं है, वो वाला सीन था। जबकि उस टाइम पर मैं अच्छा खासा मैं खा पी रहा था, सारे काम कर रहा था, मतलब सारे काम इन द सेंस कि मैं मेंटली पूरा एक्टिव था, मुझे समझ में आ रही थी कि चीज़ें क्या चल रही हैं क्या नहीं चला सारी चीज़ें, और हाँ तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने पैर ज़मीन पर रखा था, उससे पहले मैं नहीं अलाउड ही नहीं था, अलाउड किया हाँ अलाउड ही नहीं था, तो वही सीन था। अब बात कर लेते हैं कि एक्सीडेंट हुआ तो उसमें चोट कहाँ लगी। एक्सीडेंट हुआ तो चोट मेरी नेक में माइनर फ्रैक्चर था, मेरी नोज़ में माइनर फ्रैक्चर था, और ये वाला जो पार्ट है ये पूरी बोन का ये पूरा फ्रैक्चर्ड था, और मेरी रीढ़ की हड्डी में माइनर फ्रैक्चर था, ये वाला अंगूठा जो है ये फ्रैक्चर्ड अभी मतलब आई डोंट नो फ्रैक्चर्ड है या क्या है, बट ये जो है ना ये जैसे नॉर्मल रखते हैं इस अभी अभी जैसे ये क्या है ये पूरा अपना ये वाला पूरा काम कर रहा है, ठीक है, ये वाला इससे ऊपर नहीं जा सकता, इसको मुझे डॉक्टर के पास देखने मतलब दिखाने के लिए लेकर के जाना है, और सोच रहा हूँ कि कल चला जाऊँगा, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा कोई ज़्यादा वो नहीं है, बट हाँ फिर भी चोट चोट होती है, और ये वाला भी यहाँ पर पेन होता है, ठीक है, तो ऐसी कुछ कुछ हल्की फुल्की चोट है, प्लस जो मेजर जो हुआ था दैट वॉज इन माई माइंड। देखो मुझे एक्सटर्नली कहीं भी नहीं हुआ था, और मैं ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, मतलब मैंने आपको अगर राइडिंग ब्लॉग्स अगर आपने मेरे देखे होंगे तो आप मैं हमेशा बोलता हूँ, और आपने देखा भी होगा राइडिंग ब्लॉग्स में मैं हमेशा सेफ्टी सबसे पहले रखता हूँ राइडिंग गियर्स में। आई नो मतलब प्रॉपर राइडिंग गियर्स नहीं है, बट मैं मतलब जैसे एक्सीडेंट हुआ जिसमें पता मेरी जैकेट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, मेरे हेलमेट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, सबको पता है, देखो यार हेलमेट कितने का 500-800 रुपए के हेलमेट आ जाते हैं, मैंने जानबूझ के मैंने महंगा वाला हेलमेट लिया, अच्छा वाला अच्छी क्वालिटी का लिया कि यार देखो इतनी लंबी राइड्स करते हैं, ठीक है, लंबी राइड्स में कुछ भी पता नहीं होता, कुछ भी वो नहीं होता, गलती से भी गलती में इतना सा भी अगर चांस है कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो बेटा कुछ भी हो सकता है, और इसी वजह से मैं केवल जैकेट पहनता था, मुझे कोई शौक नहीं है, गर्मियों में पहनता था भाई साहब अंदर पूरा पूरा पसीना पसीना हो जाता था, लेकिन तब भी मैं पहनता था कि यार देखो ऐसा है अभी पसीना आ रहा कोई बात नहीं है, अगर गलती से भी अगर इतना सा भी कुछ हो गया ना तो तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि भाई साहब उस बाइक राइड पे क्या हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस चीज़ है नॉर्मल जो बाइक स्पीड होती है दैट इज 70, ठीक है,
मेरी जो नॉर्मल बाइक की स्पीड होती है दैट इज 60 to 70 के बीच में होती है, जो ऑन एन एवरेज मेरी बाइक स्पीड होती है, ठीक है। तो उस स्पीड पर अगर तुम गिरोगे या फिर कुछ भी होगा तो तुम हालत समझ सकते हो, ठीक है। तो वो वाला सीन था, ये तो हो गई मेरी कि भाई क्या हुआ बाद में। तो अब मैं एक बात बता देता हूँ, दैट इज़ कि यार मैं हो सकता है मैं ये वाला यूट्यूब चैनल बंद कर दूँ, हाँ, क्योंकि यार मैंने ब्लॉग्स बनाए नहीं है और मेरा पता नहीं यार मेरे को अंदर से इतनी एनर्जी नहीं आ रही है कि मैं ब्लॉग्स बनाऊँ। अभी मैं फोकस कर रहा हूँ अपने करियर के ऊपर, क्योंकि वही सीन है, मेरा सेप्टेम्बर में मेरा रिजल्ट आया और मेरा 10 अक्टूबर को मुझे डेंगू हो गया, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया और उसके तुरंत बाद दिवाली आ गई, दिवाली पर घर गया, दिवाली घर से वापस आ रहा था कि चलो अब मैं फोकस करूँगा कि जॉब वगैरह करियर वगैरह पर। बट उस टाइम पर क्या हुआ, मेरा बाइक एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद हम पड़े रहे। तो अभी मेरा मेन फोकस है दैट इज़ ऑन माई बिजनेस, माई जॉब, माई कैरियर, ठीक है। ये चीज़ें मेरे लिए मेन प्रायोरिटी पे हैं। तो तब तक के लिए मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी जो है ना थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, जो भी है मतलब बर्थडे तक, बेसिकली बर्थडे तक का मैंने सोचा कि बर्थडे तक मैं ब्लॉग्स वगैरह में नहीं बनाऊँगा। और मैंने ये सोचा है अभी कि मैं एक नया यूट्यूब चैनल में बनाऊँगा जिसके ऊपर प्रॉपर राइडिंग वीडियोज़ आएंगी, जो अभी अभी क्या अभी मैं फ़ोन से अभी मैं शूट करता हूँ, वो फिर प्रॉपर मतलब इक्विपमेंट्स भी मैं खरीद रहा हूँ, मैं गोप्रो वगैरह मैं हर चीज़ मैं खरीद रहा हूँ कि यार हाँ सारी चीज़ें होनी चाहिए अपने पास में, एक गोप्रो एक और DSLR, ये चीज़ें मैं खरीद रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो बर्थडे तक का मैंने टाइम दिया है एंड आई एम प्लानिंग फॉर अ सरप्राइज फॉर माई न्यू यूट्यूब चैनल, क्योंकि देखो नया यूट्यूब चैनल तो नई सारी चीज़ें चाहिए होंगी। आई एम प्लानिंग मतलब आई डोंट नो मतलब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट यस आई एम प्लानिंग समथिंग, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि यार वो चीज़ हो जाए। सो या दिस इज़ इट। हो सकता है कि इस वाले मतलब इस वाले यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वाली लास्ट वीडियो हो सकता है ना भी हो, यू कॉन्ट से एनीथिंग अबाउट फ्यूचर, सो कुछ कह नहीं सकते। बट ऐसा मैंने प्लान करके रखा कि एक मैंने नया यूट्यूब चैनल खोलूँगा जिसमें प्रॉपर राइडिंग्स और प्रॉपर ट्रैवल और प्रॉपर चीज़ें ब्लॉग्स आएंगे प्रॉपर एकदम अच्छे से, जो होता ना कि एक प्रोफेशनली एक चलेगा कि भाई प्रॉपर राइड्स जो मैं कर रहा हूँ सारी चीज़ें एक अच्छे लेवल पे आएंगी। अभी क्या है इसमें तो ये है कि भाई चलो फ़ोन से शूट कर लिया, क्वालिटी भी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं, क्वालिटी घटिया आ रही है, ठीक है। मेरी कंसिस्टेंसी का कुछ पता नहीं, महीने में एक वीडियो आ रही है, कभी 15 दिन में एक वीडियो आ रही है, कभी हो सकता है वीक में 2 वीडियोज़ आ रही हैं, तो मेरा वो कंसिस्टेंसी वाला सीन नहीं है। और मैंने सोचा कि नया जो यूट्यूब चैनल होगा उसके ऊपर कंसिस्टेंसी मेन चीज़ रखूँगा, दूसरी चीज़ की एक नए गियर्स और क्वालिटी अच्छी देने के लिए और नया ऑडियो आउटपुट मतलब सारी चीज़ें एकदम प्रोफेशनल अच्छे लेवल की देने के लिए। और सरप्राइज इज मैं चाहता हूँ बताना तुम लोगों को, आई सीरियसली वॉन्ट टू टेल यू बट नहीं अभी नहीं बताऊँगा। सो यार होप फॉर द बेस्ट फॉर माई लाइफ एंड यस दिस इज़ इट एंड लाइफ में जैसा कि ये मैंने पहनी हुई है ना हुडी, हैशटैग नो रिग्रेट्स, इट्स लाइफ, व्हाटएवर हैपेंड फॉर अ गुड रीज़न। मे भी हो सकता है कि तुम्हें उस टाइम पर वो चीज़ गलत लगे, बुरा लगे कि ये मेरे साथ बुरा हुआ, बट इन अ लॉन्ग टर्म दैट वुड बी अ गुड रीज़न, प्रॉफिटेबल इंसिडेंट फॉर यू। बट वही चीज़ है, जो भी है होता है, बट रिग्रेट नहीं रखना है। चीज़ें जो तुमने सोची हैं कि ये करना है तो एक बार करना है, चाहे उसमें सक्सेसफुल हो ना हो वो बात की बात है, बट वो ट्राई करना है, अपना एफर्ट 100% देना, उसके बाद में क्या होता है वो कोई बात नहीं। वो जो गीता में कहते हैं ना कि कर्म हम कर सकते हैं, फल की चिंता नहीं, फल दे देगा ऊपर वाला, अपने आप एफर्ट्स के हिसाब से अपने आप फल आएगा। सो या थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप मतलब चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना जिस अगर तुम्हें अगर लगता है कि शेयर करनी चाहिए। भाई थैंक यू सो मच फॉर बींग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, बींग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आई नो आई एम नॉट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो लाइक फ्रॉम पास्ट 6 months, I guess या जब मेरे सेमेस्टर एग्जाम हो रहे थे उस टाइम से मैं एक्टिव नहीं था, मैं बिल्कुल भी, मैंने लाइव आना मैंने बंद कर दिया था, मैंने सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी थी। बट आई एम प्लानिंग कि यार 31 March 2022 के बाद से चीज़ें जो हैं अपने फुल फ्लैज में स्टार्ट करूँगा, क्योंकि 31 March हमारा बर्थडे होता है, बर्थडे से मैंने सोचा चीज़ें दोबारा से एक्टिव करेंगे और प्रोफेशनल अच्छे से एक्टिव करेंगे। बाय द वे एक गुड न्यूज़ है भाई से, गुड न्यूज़ चलो नए चैनल पे मिलेगी। बाय, पीस।